वे प्रोटीन अच्छा या बुरा, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसे ही कुछ सवाल देखते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए, योर इंडियन कंज्यूमर। हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद वेद पाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और आज मैं बात करने वाला हूं वे प्रोटीन इस टॉपिक पर। अभी जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई कर रहा हूं, पर मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। जिम में कंसिस्टेंटली लगातार वर्कआउट करने के बाद भी अगर आप आपका डाइट चेंज नहीं करेंगे तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएंगे, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। पर प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी जिम अगर आप ज्वाइन करो, आप ट्रेनर लगाओ, तो आपको सप्लीमेंट्स इस नाम से रूबरू होना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, वे प्रोटीन क्या होता है? तो वे प्रोटीन के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं कि इसकी तो यार डब्बे वाली बॉडी है, उसका मतलब क्या होता है, पाउडर बॉडी है, पाउडर छोड़ने के बाद इसकी बॉडी पूरी ढीली पड़ जाएगी या चली जाएगी। तो क्या सच में ऐसा होता है? तो आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा। तो पहली बात कि वे प्रोटीन होता क्या है। तो वे प्रोटीन जो है वो एक डेयरी प्रोडक्ट है। आप जैसे दही बनाते हैं तो दही के ऊपर जो पानी आता है, अगर आप छाछ निकालें उसमें से, बटर की जो प्रक्रिया होती है निकालने की, उसके बाद जो पानी बच जाता है उसमें कुछ प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस पानी को प्रोसेस करके जो प्रोटीन निकाला जाता है, जिसकी पाउडर बनाई जाती है, वो होता है वे प्रोटीन। ये किसी भी तरह का ड्रग नहीं है जो आपको एडिक्ट कर देगा या आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सर्च करेंगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, 1 ईयर 2 ईयर किड्स, उनके जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वे प्रोटीन होता है, और वो उसे मार्केट भी करते हैं कि वे प्रोटीन एडेड इन दिस प्रोडक्ट। तो आप इसी से जान सकते हैं कि वे प्रोटीन बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है। माँ बाप बच्चों को बाहर जाके मैकडॉनल्ड्स में बड़े बड़े मील खिलाते हैं, तो उन मील से तो लाखों गुना अच्छा वे प्रोटीन है। अगर आपका बच्चा बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोच रहा है, न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहा है और वे प्रोटीन लेना चाहता है, तो बिल्कुल उसे आप इनकरेज कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है। एक और सवाल जो मैं हमेशा सुनता हूँ लोगों से, वो ये है कि क्या मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा अगर मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ? तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। आप ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो प्रोटीन आपके बॉडी में आ रहा है, उस प्रोटीन का करोगे क्या? अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो मसल टेयर नहीं होगा, मसल टेयर नहीं होगा तो उसको रीजनरेट करने के लिए जो प्रोटीन ले रहे हो वो वेस्ट है। अगर आप अपना नॉर्मल खाना खा रहे हो, दिन का जो आपका कोटा है खाने का वो पूरा कर रहे हो, समझिए 2000 कैलोरीज, उसके ऊपर आप वे प्रोटीन पी रहे हो एक बार, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, आपका वजन बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, लोग वर्कआउट करते नहीं है, रेगुलर मील जो चालू है वो रखते हैं, ऊपर से सप्लीमेंट ले लेते हैं, तो 100-150 कैलोरीज उनकी बढ़ रही है, तो उनका वजन बढ़ जाता है। आपको आपके डाइट के हिसाब से कंप्लीट प्लान करना है और फिर जाके प्रोटीन की मात्रा आपके खाने में बढ़ानी है। अभी अगर हम किसी आम इंसान की बात कर ले तो दिन में 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है पर पाउंड वेट के। तो एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो अगर मेरा वेट है 75 kg, तो मुझे लगेगा 150 ग्राम्स प्रोटीन। तो मुझे देखना है कि क्या मेरे डाइट में उतना प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उतना प्रोटीन ऑलरेडी आ रहा है तो मुझे और प्रोटीन की जरूरत नहीं है, फिर सप्लीमेंट लेने का कोई मतलब नहीं बनता। पर अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं और आपको सीरियसली रीजनरेशन की जरूरत है, तो प्रोटीन की मात्रा आपको डाइट में बढ़ानी पड़ेगी। पर क्या प्रोटीन लेना जरूरी है? क्या मैं अंडे से और दूध पी के और बाकी सारी खाने की चीजों से क्या मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर एक 30 ग्राम का स्कूप आप ले रहे हो वे प्रोटीन पाउडर का और 4 अंडे खा रहे हो, तो वो इक्विवेलेंट है। पर अंडे के साथ आपको मिल रहा है कोलेस्ट्रॉल, आपको कुछ फैट्स मिल रहे हैं जो आपकी अननेसेसरी है, और काफी सारे लोग अंडे नहीं खाते। आप अगर चिकन खा रहे हो तो 100 ग्राम चिकन में आपको 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो वहां से भी आपका काफी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। पर सवाल यह आता है कि क्या आप डेली चिकन खा सकते हो? क्या आपके डाइजेशन पे उसका अफेक्ट होगा? क्या आपके बॉडी में हीट बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। फिर उससे अच्छा तो यही है कि प्रोटीन की स्कूप होता है वो खा लें, इसकी वजह से काफी आपका काम आसान हो जाता है। जब मुझे पर्सनली वर्कआउट करने के बाद फील हुआ कि मेरा मसल लॉस हो रहा है, मेरा फैट तो बिल्कुल जा नहीं रहा है, फेस काफी मोटा लग रहा है और मसल उतना बिल्डअप नहीं हो रहा है, तब जाके मैंने मेरा प्रोटीन काउंट किया कि मेरे डाइट में कितना प्रोटीन आ रहा है, और फिर मुझे समझा कि काफी ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी में हूं मैं, और इसी वजह से कुछ हफ्तों से मैंने प्रोटीन लेना शुरू कर दिया है। पर मुझे बस कुछ हफ्तों का एक्सपीरियंस है, जो भी इन हफ्तों में मुझे एक्सपीरियंस आया वो काफी अच्छा है। बॉडी बिल्डिंग और वे प्रोटीन इनटेक के बारे में मेरा तजुर्बा इतना ज्यादा पुख्ता नहीं है, इसीलिए आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ रुएस फ्रॉम द चैनल टेक्नो रुएस, और इन्हें मैंने बुलाया खास आपको वे प्रोटीन के बारे में बताने के लिए, क्योंकि इन्हें काफी एक्सपीरियंस है बॉडी बिल्डिंग, और आप इनकी बॉडी देख सकते हैं, ये ब्लॉग्स भी बनाते रहते हैं अपने बॉडी बिल्डिंग और जिम से रिलेटेड। तो रुएस, आपको क्या लगता है कि वे प्रोटीन सेफ होता है कि नहीं होता है? एक्चुअली वे प्रोटीन जो होता है वो देखा जाए तो सेफ होता है, पर लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि अगर टोटली लोग
यही सोचते हैं, यही मेंटालिटी रखते हैं कि अगर सिर्फ वे प्रोटीन से ही बॉडी बनती है तो मुझे लगता है वो रॉन्ग है। बराबर, ये एक क्वेश्चन था मुझे कि सिर्फ वे प्रोटीन अगर मैं खा रहा हूँ तो उतना ही खा के मेरी बॉडी बनेगी क्या, बाकी दाल चावल भाजी सब छोड़ दूँ? ऐसा कुछ नहीं, आपको मेन प्रॉपर जो मैंने एक्चुअली काफी सारे ट्रेनर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो डाइट, यानी कि आप क्या खाते हो। बिल्कुल, तो जितना हो सके उतना हैवी प्रोटीन वाला खाना खाइए और फिर आप ये प्रोटीन वगैरह लेते तो आपकी बॉडी में कुछ फर्क पड़ेगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। Exactly. तो आपको पूरा एक संतुलित आहार लेना पड़ेगा, प्लस आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसके कॉम्पेंसेशन के लिए जो मसल डेवलपमेंट होती है उसके लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो चलो ये बात तो क्लियर है कि वे प्रोटीन आपके लिए बिल्कुल सेफ है, पर अभी सवाल आता है कि कौन सा वे प्रोटीन यूज करूँ, सबसे बेस्ट कौन सा है? Exactly. आपको तो पता है उसकी, उसी के तलाश में मैं पड़ा रहता हूँ। तो मुझे ऐसा पता चला मेरे रिसर्च के बाद कि ON करके जो ब्रांड है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड वे आता है दैट इज द बेस्ट प्रोटीन इन द मार्केट। तो ये जो है ये नई पैकिंग है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी कस्टमर्स को कि कौन सा ओरिजिनल है? राइट, तो आप मुझे कुछ बता रहे थे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो उसने एक प्रोटीन लिया था, वे प्रोटीन लिया था और उसने चॉकलेट फ्लेवर लिया था, तो 2-3 दिन उसने खाया, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा टेस्ट जो वो अजीब लगा, उसको कुछ मतलब अजीब लग रहा था, तो उसने क्या किया कि हमारे जिम के ट्रेनर को, सर को पूछा, सर ये प्रोटीन मैंने लिया था तो आपको क्या लगता है? तो सर ने टेस्ट किया और तुरंत ही बता दिया कि यार ये तो बॉर्नविटा है, ये तो प्रोटीन है ही नहीं, उसकी टेस्ट बॉर्नविटा जैसी थी। तो ये एक चीज बहुत कॉमन है कि मार्केट में आपको बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट कॉपीज मिल जाएंगी, डुप्लीकेट मिल जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कितने मात्रा में प्रोटीन है वो आपको पता चल सकता है। तो ये जो मैंने आपको बॉक्स बताया ये अभी की रीसेंट पैकेजिंग है, और अगर मैं आपको 4 महीने पहले की पैकेजिंग दिखाऊं तो वो बिल्कुल इससे अलग है। तो ये आ गई वो पैकेजिंग और ये है अभी की पैकेजिंग और ये 4 महीने पहले की पैकेजिंग। आप देखेंगे तो बॉक्स का ऊपर का जो ये सील है वो भी डिफरेंट है, काफी सारी चीजें हैं जो बहुत अलग है इसमें। तो ऐसे टाइम पे ये सवाल आ जाता है कि यार मैं कितना भरोसा करूं इन सारे प्रोडक्ट्स पे, इसीलिए मैं आपको आज एक प्रोटीन रेकमेंड करने वाला हूं जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं 1 महीने से और आगे भी मैं यही प्रोटीन यूज करने वाला हूं। अभी ये जो ब्रांड है इसका नाम है ट्राई ऑन, कंप्लीटली इंडियन ब्रांड है। अगर आप इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पढ़ ले तो बिल्कुल भी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का जो वे है गोल्ड स्टैंडर्ड बिल्कुल भी सेम है, कंप्लीटली सेम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त की कंपनी है, खुद वो मैन्युफैक्चर करते हैं, मैंने फैक्ट्री पूरी तरह से देखी है, मैंने सर्टिफिकेट्स देखे हैं, मैंने इनका सारा स्टैंडर्ड क्वालिटी देख चुका हूं मैं और फिर जाके ये चीज प्रमोट कर रहा हूं। तो ये रहा एनालिसिस सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, 81.05% इसमें प्रोटीन है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे दूंगा, आप पॉज करके देख सकते हैं सर्टिफिकेट को। कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से पहले आपको देखना होता है प्रोटीन सप्लीमेंट का जो लाइसेंस नंबर होता है उस मैन्युफैक्चरर का, आपको बैच नंबर देखना होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP देखनी होती है। बहुत सारे ब्रांड्स वहां बाहर है जो MRP नहीं डाल रहे, इंडियन ब्रांड्स काफी सारे हैं, इंडियन मार्केट जो है प्रोटीन के लिए वो काफी बढ़ते जा रहा है और इसीलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ ये ब्रांड, क्योंकि मोर देन 80% प्रोटीन पाउडर्स बाहर मार्केट में फेक आ रही हैं और इन मैन्युफैक्चरर्स को मैं बहुत ही करीब से जानता हूँ, इसीलिए मैं इन्हें इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपने हमारी वीडियो देखी है, और ऑनलाइन सिर्फ आपको ये मेरे चैनल थ्रू ही मिलेगा ये प्रोडक्ट, तो ऑफलाइन आपको मिल रहा है। मुझे भी खरीदना है। अच्छा, प्रसाद जी अगर इसको प्रसाद जी बोल रहे तो मुझे भी खरीदना है, बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट है। ऑन का गोल्ड स्टैंडर्ड वे अगर आप खरीदने जाए तो आपको मार्केट में ये मिलेगा 6,200-6,300 के आसपास, ये अगर आप मैंने डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उसके थ्रू खरीदे तो आपको मिलेगा सिर्फ 5,000 रुपीज में, और आपको उसके साथ मिलेगी फ्री होम डिलीवरी, साथ में ये शेकर आपको फ्री मिलेगा। तो ये खास मैंने आपके लिए अरेंज करके दिया है, अगर आप ऑन का यूज कर रहे हैं तो ये एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब बारी आती है ईट ऑफ की, तो हम दोनों ट्राई ऑन का प्रोटीन शेक पीने वाले हैं, जो सबसे पहले पिएगा वो जीत गया। ऑफ कोर्स, लेट्स डू इट। चीयर्स। चीयर्स। 1, 2, 3 गो। खत्म हुआ कि नहीं? फाइनली प्रसाद जी जो विनर हुए। तो ऑफिशियली मैं जीत गया हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, रुएज अभी तक पी रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा नंबर, आप कॉल करिए, फ्री होम डिलीवरी है, आपको ये शेक फ्री मिलेगा 5,000 रुपीज फॉर 5 LBS। तो टेस्ट काफी अच्छा है दोस्तों, चॉकलेट फ्लेवर जैसे होता है वैसे टेस्ट है। 5,000 रुपीज में मिलेगा 5 LBS का डब्बा और आपको ये शेकर फ्री मिल रहा है विद फ्री होम डिलीवरी। बस एक बार बता देना कि आपको योर इंडियन कंज्यूमर थ्रू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिली है। राइट, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। या कीप स्माइलिंग।
पर आपने पिया ही नहीं फटाफट। मैं एक्चुअली स्लो स्लो पीता हूँ।